देवस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः सर्वे सारंभ कार्येषु त्रयी भुवनेश्वराः दशादि सन्तु नासिद्धिः ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः ये फरसपाल का ढोलकल पहाड़ है जहाँ पास गणेश जी विराजमान हैं और आगे देखते हैं कि जंगल कितना बड़ा है। राम जय छत्तीसगढ़। अपन लोग दंतेवाड़ा घूमते हुए यहाँ ढोलकल आए हैं और मैं सबको लाइव दिखाऊंगा कि ढोलकल में कितना जंगल है और कितना अंदर अपन घुस रहे हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं मंदिर की ओर। ये फरसपाल का ढोलकल पहाड़ है जहाँ पास गणेश जी विराजमान हैं और आगे देखते हैं कि जंगल कितना बड़ा है। फ्रेंड्स, ये जंगल दंतेवाड़ा से 12 किलोमीटर कुछ दूरी पर है, फरसपाल गांव करके, जो गांव का नाम परशुराम के परसा वहाँ गिरा था, इसी कारण उस गांव का नाम फरसपाल पड़ा। और हम इसमें बताएंगे कि फरसपाल के ढोलकल पहाड़ कितनी ऊंचाई पर है गणेश जी के मंदिर, और हम लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और यहाँ की लताओं में हम लोग झूला भी झूल सकते हैं। देखिए कि मैं किस तरह से बैठ कर उसमें झूला झूल रहा हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा ही अंदर घुस गए हैं और पैदल चलते चलते 3 से 4 किलोमीटर हो गया है। दोस्तों, यहाँ जब भी आए पानी का बॉटल साथ लेकर आए। देखिए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और हमको पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, जब भी आए तो इस जंगल में गाइड के साथ जरूर आए, अकेले कभी ना आए, रिस्क कभी ना ले। जंगल बहुत बड़ा है, आप घूम भी सकते हैं। गिर गया भाई, बाकी सब लोग का एवरेज गिर गया है, चलने से दिक्कत हो रही है, सब बहुत ज्यादा ही थक चुके हैं, फिर भी अपन चलते जा रहे हैं। दोस्तों, इस जंगल में ट्रैकिंग करते हुए जाना बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी कोई आते हैं तो यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए ही पहाड़ पर चढ़ते हैं। मैं ऊपर जाकर आप लोग को दिखाऊंगा कि कितना अच्छा नज़ारा दिखता है ऊपर से। हमारे इस छत्तीसगढ़ के अद्भुत नज़ारे को देखकर आप भी यहाँ आने को मन करेगा, लेकिन जब भी आइएगा गाइड के साथ ही आइएगा। देखिए, हम लोग जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर है पहाड़, 3000 से 4000 फीट ऊंचा है ये, और ऊपर जाने के बाद मैं आप लोग को नज़ारा भी दिखाऊंगा कि कितना सुकून मिलता है ऊपर पहुंचने के बाद। सभी लोग आ रहे हैं, बाटल पर पानी है बट पी नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीना ही है। कहाँ खड़े हो? यहाँ पास भूषण यदु अपना शर्ट निकाल दिए है क्योंकि बहुत गर्मी पे लथपथ हो गए हैं पसीने के साथ। और मैं कहूँ तो मेरा आवाज भी नहीं निकल पा रहा है, इतना थक चुका हूँ मैं। अब पीछे से आवाज निकल आगे से नहीं निकलेगा। सुन रहे हो ना, पीछे से आवाज निकलेगा, आगे से नहीं निकलेगा। अब मैं यहाँ से दौड़ लगाऊंगा, कितना दूर चढ़ पाता हूँ कम से कम आप भी देखिए। देखो दौड़ते हुए, सॉरी मैं गिर गया। मैं गिरने के बाद फिर से उठा और फिर से दौड़ रहा हूँ। देखो, मैं दौड़ते हुए आया तो गिर गया, इसी कारण इन लोग पैदल आ रहे हैं। दोस्तों, जब भी चढ़ो तो दौड़ते हुए ना चढ़ो क्योंकि तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन की वजह से हम लोग बहुत ऊंचाई जा रहे हैं। कम से कम
3000 फीट ऊंचा है ये, 3000 से भी ज़्यादा हो सकता है। और आगे चल के दिखाएंगे गणेश जी की मूर्ति, यहाँ बस परशुराम और गणेश जी की लड़ाई पर गणेश जी की एक दांत यहीं पर गिरा था। एक लकड़ी का डंडा है जिसके सहारे मैं चढ़ रहा हूँ। आमचो बस्तर, आमचो दंतेवाड़ा, और क्या बोलते हैं दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आगे और भी ऐसी वीडियो लाते ही रहूँगा और ट्रैकिंग वाली वीडियो तो हमेशा लाते रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चले चलो, चले चलो। मैं थकने की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। दोस्तों हमें चढ़ते हुए कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। शायद कुछ दूरी पर आने ही वाला है पहाड़ गणेश जी की मूर्ति, दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा दिखता है वहाँ से। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं वीडियो बनाने के लायक तो हूँ बट चलने के लायक नहीं हूँ। तो साथियों मैं ऊपर पहुँच के वीडियो बनाता हूँ। यहाँ से हम लोग का खतरा शुरू होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चढ़ने पे बहुत ही दिक्कत और प्रॉब्लम आई। जब भी यहाँ आए तो गाइड के साथ आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए किस तरह से हमारे भाई लोग चढ़ रहे हैं और यहाँ हमारे महाराज जी मंत्र पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे और मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के इस ढोलकल पहाड़ की कहानी और यहाँ का नज़ारा तो देखिए कितना ही अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही आनंद मिलता इस पहाड़ पर चढ़कर मुझे। आप जब भी घूमने आइएगा तो ट्रैकिंग करते हुए ही आइएगा क्योंकि यहाँ का यहाँ पर